हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, न्याय, कथन और निष्कर्ष पार्ट टू लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। इसके पहले मैंने इस चैप्टर पे पार्ट वन बना चुका हूँ, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट वन जरूर देखें। ओके, तो इसमें मैं क्वेश्चन और निष्कर्ष एक लेके आया हूँ, ये बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से इसे खोज सकते हैं, आप इजीली कैसे जल्दी से जल्दी आप इसे बना सकते हैं। इसलिए ज्यादा मैं टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है कथन कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। मीन्स जितना भी प्रोफेसर है सभी क्या है, डॉक्टरेट का डिग्री रखते हैं। एक्स एक महिला प्रोफेसर है, एक्स क्या है, एक महिला प्रोफेसर है। तो देखिए विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले हैं, एक्स एक महिला प्रोफेसर है, ठीक ना। तो देखिए निष्कर्ष में क्या है कि एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। अब देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। अब क्वेश्चन को समझना यह है कि जितना भी प्रोफेसर है हमारा वो सभी का सभी डॉक्टरेट का डिग्री है, ठीक है, मतलब प्रोफेसर है तो डॉक्टरेट की डिग्री है। एक्स एक महिला प्रोफेसर है, एक्स क्या है, महिला प्रोफेसर है। मीन्स महिला यदि प्रोफेसर है, इसके पहले तो यहां बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि यहां पे पुरुष या महिला है, इसमें बोल रहा है कि एक्स एक महिला है और प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर है इसका मतलब क्या है, प्रोफेसर है तो डॉक्टरेट की डिग्री है, क्योंकि यहां बोल रहा है कि रखने वाले होते हैं, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो लेकिन यहां बोल रहा है कि एक्स एक महिला प्रोफेसर है, मींस एक्स एक महिला प्रोफेसर है। अब आते हैं एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है तो हम ये गलत बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जितना भी प्रोफेसर है सभी के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, क्योंकि यहां बोल रहा है ना सभी रखने वाले होते हैं, तो एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है तो ये गलत होगा। तो ये ऑप्शन मेरा ये कर देंगे। दूसरा, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं तो ऐसा कहना गलत है, क्यों, क्योंकि यहां महिला भी है और वो प्रोफेसर है, महिला है प्रोफेसर है, मीन्स जो भी प्रोफेसर है चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। यहां बोल रहा है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर चाहे महिला या पुरुष सबको डॉक्टरेट, सबके पास डॉक्टरेट का डिग्री है, तो केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं तो ये गलत है। केवल पुरुष नहीं है बल्कि जो भी प्रोफेसर है महिला और पुरुष सभी के पास है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया और ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत। तो अब क्या कर रहा है, ऑप्शन आते हैं एक पे दे रहा है कि एक और दो दोनों निहित है, तो एक और दो दोनों निहित है नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, केवल एक निहित है तो ये भी नहीं होगा, एक और दो दोनों ही निहित नहीं है, हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए ये दोनों का दोनों जो है गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक और दो दोनों ही निहित नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। और चौथा बोल रहा है केवल दो निहित है, नहीं है, तो आपका एक और दो दोनों ही निहित नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, यहां समझ में आ गए, इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता, जब वर्षा होती है तो एक्स बाहर नहीं जाता है। फिर उसके बाद बोल रहा है यहां पे एक्स बाहर गया है, एक्स क्या है, बाहर गया है, ठीक ना। पहले बोल रहा है कि जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता है, मीन्स जब भी वर्षा होती है तो प्राय नहीं जाता है, मीन्स कभी कभी चले भी जाता है लेकिन अक्सर नहीं जाता है। फिर एक्स बाहर गया है, अब एक्स बाहर गया है, अब इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए निष्कर्ष में दिया है कि वर्षा नहीं हो रही है, एक दूसरा एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। अब देखिए कौन सा इसमें सही होगा, एक्स जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता, इसका मतलब यह है कि प्रायः नहीं जाता मीन्स कभी कभी चले जाता है, कभी मीन्स अक्सर नहीं जाता। यदि 100 बार वर्षा हो रही है तो उसमें 90 बार नहीं जाता लेकिन 10 बार वो चले जाता है।
एक्स बाहर गया है, बाहर गया है इसका कहने का मतलब यह है कि बाहर गया, तो अब वर्षा हो रही है नहीं हो रही है, तो वर्षा नहीं हो रही है, निष्कर्ष में बोल रहा है कि वर्षा नहीं हो रही है, तो हम 100% नहीं कह सकते कि वर्षा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यदि 100 बार वर्षा हो रही है तो 100 में से 90 बार वो नहीं जाता लेकिन 10 बार चले जाता है, तो गारंटी नहीं है यहाँ पे कि वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः एक्स नहीं जाता है लेकिन कभी कभी चले जाता है, तो हो सकता है कि ये कभी कभी में से हो, तो ये गलत होगा। अब दूसरा आते हैं, एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है, तो एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है या नहीं निपटाना है, इसके बारे में जब तक यहां दिया ना हो कथन में, जब तक कथन में दिया ना हो कि उसे कार्य करना है, कार्य नहीं करना है, हाँ करना है, तब तक हम इस बात पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो आवश्यक कार्य निपटाना या निपटाना हमें नहीं मालूम, इसलिए यह भी निष्कर्ष गलत होगा। इसलिए अब ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में क्या है मेरा, एक भी गलत और दो भी गलत। तो केवल एक निहित है, नहीं है, गलत हो गया ये। केवल दो निहित है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक और दो दोनों निहित है, नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों निहित नहीं है, तो एक और दो दोनों निहित नहीं है, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही होगा कि एक और दो दोनों ही निहित नहीं है। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है बात को कि प्रायः बाहर नहीं जाता, एक्स बाहर गया है, इसका मतलब एक्स बाहर गया है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वर्षा नहीं हो रही, शायद हो भी रहा हो, तो इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत है और इसका ऑप्शन चार होगा। बिल्कुल इसमें कोई भी समझने की बात नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को यहां पकड़िए और उसके बाद आप बना सकते हैं। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई छड़ फली नहीं है, कोई भी छड़ जो फली नहीं है, मींस कोई भी छड़ जो छड़ है वो बिल्कुल भी फली नहीं है। दूसरा है कि कोई फली लचीली नहीं है, मींस जो फली है वो लचीली भी नहीं है, कोई छड़ फली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और कोई फली लचीली नहीं है, मींस बिल्कुल नहीं है। निष्कर्ष में है कि कोई छड़ लचीली नहीं है, कुछ फलियां लचीली है। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा आता है, तो सबसे पहले बना लें इसे तभी ऑप्शन निकालेंगे कि कोई छड़ फली नहीं है। अब यदि हम यहां पे छड़ लेते हैं, ये छड़ लिए, ये छड़ हो गया मेरा, तो कोई छड़ फली नहीं है। अब फली लेंगे हम, फली, अब बोलिए कि अलग क्यों कर दिए दोनों को, दोनों टच हो सकता था या मिल सकता था, तो देखिए यहां साफ बोल रहा है कि कोई छड़ फली नहीं है, तो कोई भी छड़ फली नहीं है मीन्स अलग लेंगे दोनों को, जरा सा भी मैच नहीं करना है, जब है ही नहीं तो मैच नहीं करेंगे, दोनों अलग चीज है। अब बोल रहा है कि कोई फली लचीली नहीं है, अब ये फली का बात आ गया, तो कोई भी फली जो है वो लचीली नहीं है, कोई फली लचीली नहीं है, तो कोई भी फली जो है वो लचीली नहीं है। लचीली नहीं है, अब देखिए कोई भी फली लचीली नहीं है, इन दोनों से आ गए। अब छड़ और लचीली का बात यहां पे नहीं किया गया है, देखिए कहीं भी छड़ और लचीली का बात नहीं किया गया है, छड़ कोई भी छड़ फली नहीं है और कोई भी फली लचीली नहीं है, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष में, कोई छड़ लचीली नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कोई छड़ लचीली नहीं है। अब देखिए कोई छड़, छड़ यहां आ गया, लचीली यहां आ गया, तो कोई छड़ लचीली नहीं है, तो कोई छड़ लचीली है या नहीं है हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे दिया ही नहीं है ऐसा कुछ, जब कुछ ना दिया हो तो डायरेक्ट नो, ठीक ना, तो कोई छड़ लचीली नहीं है, तो हो सकता है कि एक दूसरे से मिला हो या हो सकता है कि एक दूसरे से मिला ना हो, मीन्स मिला हो सकता है और मिला ना भी हो सकता है, तो जब हां और ना में हो तो इसका आंसर क्या होता है, ना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मिला हो लेकिन दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो नो, और कोई छड़ लचीली नहीं है, और यदि हो सकता है कि ना भी मिले तो ना और हां में ना, ठीक है, तो नो, ये आंसर हो गया गलत, ठीक है। दूसरा आते हैं कि कुछ फलियां लचीली हैं,
अब देखिए फली का बात बोल रहा है कि कुछ फलियां, यहां जो फली है वो लचीली है नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां बोल रहा है कि कोई फली लचीली नहीं है, मींस कोई भी फली लचीली नहीं है, तो मींस यहां से कोई भी फली जो है वो लचीली में बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। तो कुछ फलियां लचीली है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक जरा नहीं है, और कोई छड़ लचीली नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। अब आते हैं ऑप्शन में, दोनों में से कोई मान्य नहीं। हाँ, तो दोनों में से कोई भी मान्य नहीं है, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है, फर्स्ट वाला ही। अब आते हैं दूसरा में, केवल एक मान्य है, नहीं है, एक और तो दोनों मान्य है, नहीं है, केवल दो मान्य है, नहीं है, मीन्स ऑप्शन एक आपका बिल्कुल सही होगा। एकदम समझ जाइए क्वेश्चन पे, एकदम आसान है। इन दोनों मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो हाँ मिले ना मिले, मीन्स समझिए ना मिले। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। मीन्स आर्थिक विकास, यदि आपको डेवलपमेंट करना है किस चीज में, आर्थिक में, मीन्स इकोनॉमिक में ये डेवलप करना है, तो आपको डेफिनेटली की मेहनत करनी होगी, कठिन मेहनत करनी होगी। तो वही बोल रहा है कि आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये क्या है? ये आपका कथन है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। तो ये बिल्कुल है सीधे संबंधित है, इसलिए कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम कमाएंगे नहीं, और कमाने के लिए हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है। हम कहीं इन्वॉल्व होंगे तभी हम उस चीज में कुछ हमें मिलेगी। तो वही बात है कि आर्थिक विकास, यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो लोगों के कठिन परिश्रम, यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली है कि इनकम होगी, हमारी इनकम होगी तो हम विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, तो सीधे संबंधित है। तो बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी बोल रहा है कि आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, तो बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल सही होगा एक नंबर। अब दूसरा आते हैं कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। अब देखिए निष्कर्ष में देने से पहले हम कथन में जाएंगे कि सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। अब यहां जो दिया है कि संभव है या असंभव है, ये हमें नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि यहां पे बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि क्या संभव है और क्या असंभव है। यहां ये दिया गया है कि आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना है, मीन्स मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, तो असंभव असंभव का यहां बात नहीं कर रहा, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि असंभव है या संभव है हम नहीं जानते। अब सब एक सही हो गया, दो गलत, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, तो बिल्कुल एक सही है, एक सही है तो बिल्कुल यहां पे एक आपका सही होगा। अब देखिए केवल निष्कर्ष दो सही है, नहीं है, एक और दो दोनों सही है, नहीं है, क्योंकि एक सही है दो गलत है, एक और दो दोनों गलत है, नहीं है, एक तो बिल्कुल सही है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि परिसर को साफ रखना सरकार का कर्तव्य नहीं है, सरकार का कर्तव्य नहीं है, परिसर को साफ रखना मतलब स्वच्छ रखना, परिसर को स्वच्छ रखना सरकार का कर्तव्य ड्यूटी नहीं है, बल्कि व्यक्ति का है। किसका कर्तव्य है? व्यक्ति का है, सरकार का कर्तव्य नहीं है। परिसर को साफ रखना सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति का है, ठीक ना। यहां साफ बोल रहा है कि सरकार का कर्तव्य नहीं है बल्कि व्यक्ति का है परिसर को साफ रखना, ठीक है, कथन हो गया। निष्कर्ष में है कि सरकार को अस्वच्छ परिसर के आरोप का भागीदार बनना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कि सरकार को अस्वच्छ अस्वच्छ परिसर के आरोप का भागीदार बनना चाहिए। तो देखिए स्वच्छता का बात हो रहा है यहां, साफ रखना, अस्वच्छता का बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे ये नेगेटिव हो गया, मीन्स कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक, मीन्स ये राइट नहीं हो सकता। सरकार को अस्वच्छ परिसर के आरोप का भागीदार बनना चाहिए, मीन्स भागीदार बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ये पता नहीं, क्यों? क्योंकि आप साफ बोल रहा है कि परिसर को साफ रखना सरकार का कर्तव्य नहीं है, मतलब ये ड्यूटी नहीं है गवर्नमेंट का कि वो परिसर को साफ रखे, बल्कि ड्यूटी किसका है? व्यक्ति का है। तो यहां पे ये निष्कर्ष बिल्कुल भी कथन से अलग हो गया, क्योंकि यहां तो एक तो अस्वच्छता का बात बोल रहा है और दूसरा भागीदार बनना है नहीं बनना हमें मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी कथन से नहीं है, मतलब ये गलत हो रहा है।
फिर आते हैं दूसरा नंबर पे, व्यक्ति को परिसर को साफ रखने में एक भूमिका निभानी होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि व्यक्ति को परिसर को साफ रखने में एक भूमिका निभानी होगी। तो सबसे पहले फिर से आएंगे यहाँ पे कथन पे, तो परिसर को साफ रखना सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि व्यक्ति का है। जब व्यक्ति का कर्तव्य है, जो काम व्यक्ति का है, जो काम मेरा है, तो वो उसमें तो डेफिनेटली है कि हम भागीदार बनेंगे बनेंगे। तो जो काम व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति को परिसर को साफ रखने में भूमिका निभाना होगा, डेफिनेटली निभानी होगी, क्योंकि ड्यूटी किसका है, पब्लिक का है। जब पब्लिक का ड्यूटी है तो डेफिनेटली है कि उसमें रोल तो प्ले करना ही होगा, तो व्यक्ति को परिसर में भूमिका निभानी होगी, ये डेफिनेटली सही होगा। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ड्यूटी किसकी है, पब्लिक की, तो डेफिनेटली कि उसमें रोल प्ले भी पब्लिक करेगी, इसलिए ये बिल्कुल सही है निष्कर्ष। तो अब आते हैं ऑप्शन में, तो केवल एक सही है, तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, एक तो गलत हो गया हमारा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। केवल दो सही है, दो सही है यहाँ पे, व्यक्ति को परिसर को साफ रखने में भूमिका निभानी होगी, ये बिल्कुल सही है। और देखिए एक और दो दोनों सही है, नहीं है, क्योंकि एक तो गलत हो गया ना, एक और ना ही सही, दो सही है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक तो नहीं है लेकिन दो तो सही है, इसलिए केवल दो निष्कर्ष सही है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि कथन बोल रहा है कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, शिक्षित व्यक्ति जो है वो क्या है, छोटे परिवार को पसंद करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष ये है कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, उसके बाद ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे कथन को, क्या बोल रहा है कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं। तो देखिए कुछ भारतीय शिक्षित हैं, ये भारतीय इंडियन मान लिए इसको, ये हो गया कुछ भारतीय, भारतीय मान लिए इसको, तो कुछ भारतीय शिक्षित हैं, इसमें से कुछ क्या है, शिक्षित है, तो ऐसे यहां आके शिक्षित बन गया, ये कुछ शिक्षित है, इसका मतलब क्या, ये जो गैप दिए हैं ये शिक्षित में आ गया, भारतीय कुछ शिक्षित हो गए, इसका मतलब क्या है कि पूरा का जो भारतीय है इसमें से ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, शिक्षित हो गया आपका, ठीक। और ये हिस्सा शिक्षित और भारतीय हो गए। अब बोला कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरा ये जो शिक्षित व्यक्ति है यहां से यहां तक, ये क्या है, पूरा का पूरा आपको छोटा परिवार को पसंद करता है, मीन्स ये क्या है, पसंद करता है छोटे परिवार को, छोटे परिवार को जब पसंद करता है, तो कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो ये भारतीय हो गया, इसमें से कुछ शिक्षित हो गए और पूरा का पूरा जो शिक्षित है वो क्या, छोटे परिवार को पसंद करते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष में कि सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। अब देखिए सभी छोटे परिवार, ये जो छोटे परिवार है, ये जो छोटे परिवार है ये क्या है, ये जो छोटे परिवार है कि ये टोटल का टोटल शिक्षित है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बोल रहा है कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ना कि ये छोटा परिवार पूरा का पूरा शिक्षित है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं कहा गया है, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है, सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं ऐसा नहीं है, गलत है ये। फिर देखिए दूसरा में, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, कुछ भारतीय, सभी भारतीय नहीं, कुछ भारतीय, तो कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली ये देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो शिक्षित वाला हिस्सा था और ये जो भारतीय वाला हिस्सा था, ये जो हिस्सा है ये डेफिनेटली दोनों में है, भारतीय में भी है और शिक्षित में है, तो टोटल पूरा का पूरा शिक्षित व्यक्ति पसंद करता है छोटे परिवार को, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हिस्सा भारतीय है, तो मीन्स ये क्या है, ये कुछ भारतीय है, तो कुछ भारतीय जो है वो डेफिनेटली इसको पसंद करता है,
वही बोल रहा था यहाँ पे कि कुछ भारतीय शिक्षित है, ये जो भारतीय शिक्षित था, अशिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करता है, तो शिक्षित में तो ये भी आ गया, तो इसमें भारतीय भी आ गए, तो डेफिनेटली है कि डायरेक्टली कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल पसंद करते हैं। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, नहीं, क्यों? क्योंकि एक निष्कर्ष मेरा यहां गलत हो चुका है। केवल निष्कर्ष दो सही है, हाँ बिल्कुल ये सही है, निष्कर्ष दो, एक और दो दोनों सही है, नहीं, ना ही एक और ना ही दो सही है, नहीं, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई आपके पास क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।